कितने अंक है बिल्कुल देखो देखो अब इतना अपने अपने सब करेगा पिछली बार क्या करा था और अपटित गद्यांश निबंध लेखन नहीं करवाया ना। ओके बुक का पता किया बुक किसी को मालूम नहीं है चलो नहीं हुआ ठीक है फिर ग्रामर ही करवाते हैं। कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया ना तो उसको भी एग्जाम का तो कुछ नहीं दिया ना क्वेश्चन स्कूल में दिया। क्या क्या दिया दिखाओ लायो कौन सा ये बात है करने की। अच्छा उसके अलावा एकांकी है ना एकांकी बुक है ना। हाँ ठीक है बात करने की स्टार्ट किया तो बात करने की हम लोग कर सकते हैं बातें तेरे को हम तो कोई भी करवा देंगे हम लोग है ना। और ये रोग हुआ तो अच्छा ही एकांकी सही क्योंकि एकांकी बुक दिया है ठीक है। चलेगा या फिर निबंध लेखन करो चलेगा कैसे भी एक चैप्टर करवा देते हैं चैप्टर हुआ है पात्र कौन कौन है इसमें इंजीनियर साहब का क्या नाम है जगत सिंह। हाँ बाबू जगत सिंह है ना। इनके यहाँ कौन काम करता है रसीला। दूसरे जो इनके पड़ोसी हैं उनका क्या नाम है मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट क्या नाम है उनका शेख सलीम। शेख सलीम बोले कौन काम करता है रमजान। अब इनकी जो विशेषता आते जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे पहले इसकी स्टोरी के बारे में पता है कि बात अठन्नी की बात सिर्फ केवल अठन्नी की अठन्नी यानी आधा रुपया 50 पैसा है ना। तो बात कितने सी थी सिर्फ 50 पैसे की। अब क्या बात थी 50 पैसे की कहानी शुरू होती है कि जो ये इंजीनियर बाबू है जगत सिंह इनके यहाँ काम करता है रसीला। रसीला जो है काफी समय से वहां पर काम कर रहा है और ये
बाबू जगत सिंह जो है उसको इज्जत भी देते हैं। कुल मिलाकर एक तरह से काफी समय से जब काम करते तो फैमिलियर टाइप हो जाते हैं ना, उसी तरह से उसका भी है। आगे कहानी में परिवर्तन आता है कि एक जब आदमी का सही समय चल रहा होता है सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसे बुरा समय आता है कौन मदद करता है कौन नहीं करता, सब कहानी वो यहाँ भी ऐसी ही है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह जो है उनको कई बार रसीला बोलता है अपने तनख्वाह बढ़ाने के लिए। उसकी तनख्वाह जो होती है 10 रुपए मासिक होती है ना, और उसके घर में बूढ़े पिता हैं, पत्नी और 3 बच्चे हैं, है ना। उन सब का, इतने लोगों का जो भार है खर्चे का वो किसके ऊपर है, रसीला के ऊपर ही है, इसीलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। और उसका जो भी तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह के जो पैसे होते हैं खुले रुपए वो अपने गांव में भेज देता है, घर वालों को भेज देता है, फिर भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो इंजीनियर बाबू को कई बार कह चुका होता है तनख्वाह बढ़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमको कहीं और ज्यादा मिल रहा हो तो तुम बेशक वहां पर जा सकते हो। रसीला सोचता है कि हो सकता है मुझे कुछ रुपए कहीं पे ज्यादा मिल जाए, 2-3 रुपए ज्यादा मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जो इज्जत पाई है इतने सालों से वो हो सकता है कि शायद और कहीं नहीं मिले, तो इसी कारण से वो चुपचाप से वही नौकरी कर रहा होता है। अब एक बार रसीला जो होता है, रसीला के पड़ोस में जो जिला मजिस्ट्रेट सलीमुद्दीन होते हैं उनके यहाँ रमजान काम करता है। रमजान की और रसीला की आपस में दोस्ती होती है, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, अपनी बात भी एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, कुल मिलाकर दोनों अच्छे मित्र हैं। और क्योंकि इंजीनियर बाबू जो है वो मिठाई के शौकीन है और रसीला को मिठाई मिलती है तो वो मिठाई रमजान को देता है, और शेख सलीमुद्दीन जो है वो फलों के शौकीन है तो रमजान को भी फल मिलते हैं घर में खाने के लिए, वो रसीला को देता है। इस तरह से आपस में ये चीजें भी वो लोग बांटते हैं। तो इसके लिए कोई विशेषता ले सकते हैं आप दोनों की, अच्छे मित्र हैं, आपस में सहयोग करते हैं एक दूसरे का। एक बार रसीला जो होता है वो थोड़ा उदास बैठा होता है तो रमजान उससे कारण पूछता, वो कारण नहीं बताता है, जोर देने का वो कारण भी बताता है कि बोलता है कि गांव में बच्चे जो है वो बीमार है और पैसे है नहीं। रमजान उसको मालिक से पेशगी मांगने के लिए बोलता है, नहीं एडवांस रुपया मांगने के लिए बोलता है, तो उसने कहा मैंने मांग के देखा लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब रमजान जो होता है थोड़ी देर सोचने लगता है, उसको वहीं बैठने के लिए बोलता है, चुपचाप उठता है वहां से, अंदर चले जाता है, रुपये घर में जाता है, जाकर के कुछ पैसे निकाल कर के लाता है जो खुद के इकट्ठे किए हुए होते हैं, खुद की सेविंग होती है उसकी, जाके इकट्ठा करके वो लेके आता है उसको दे देता है। रसीला बहुत धन्य हो जाता है, वो पैसे पा करके अपने गाँव भेज देता है और सोचता है कि कितना अच्छा मित्र है ये। और जगत सिंह ने, बाबू जगत सिंह ने मैंने कितने समय से नौकरी की है, मैं उनका सब काम करता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ, तो भी उन्होंने इतना पैसा होते हुए भी मेरी मदद नहीं की। और भगवान को बोलता भी है कि भगवान इसका भला करे। इसके पहले एक और घटना हुई थी कि जो ये आपस में बातें शेयर कर रहे हैं ना, तो उस समय में रसीला जो होता है वो एक बार सुनता है अपने मालिक को किसी को कहते हुए कि 500 रुपए देकर के आप मेरा अपमान कर रहे हैं, तो रसीला को पता चल जाता है कि यहाँ रिश्वत ली जा रही है ना। तो इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बाबू जी ने लिखना था ये, तो रसीला में लिखना था हमें। उसको पता चल जाता है यहाँ पे रिश्वत ली जा रही है,
ये बात को रमजान को भी बताता है, रमजान कहता है कि हमारे वाले जो है वो तो उससे भी उनके भी ग्रुप है, 1000 आज ही एक शिकार फंसा है और 1000 रुपए से कम में तैर नहीं होगा, यानी वहां भी रिश्वत ली जा रही है और वो तो उसके भी ग्रुप है, वो 500 रुपए में मानना है लेकिन यहाँ पर 1000 रुपए से कम में कोई रिश्वत नहीं ली जाती है, तो ये भी सेम आएगी इनके लिए भी ये विशेषता। ये बात होती है। अब रसीला जो होता है वो गांव पैसे दे देता है, बच्चों का इलाज हो जाता है, बच्चे ठीक भी हो जाते हैं, बाद में वो पैसे रमजान को लौटा भी देता है, सिर्फ 8 रंगी बचती है। कितने बचती है? सिर्फ 8 रंगी, यानी 50 पैसे। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह जो होते हैं वो रसीला को 5 रुपए देते हैं और मिठाई लाने के लिए बोलते हैं, तो रसीला जाता है, वो क्या होता है कि जो 8 रुपए बच जाती है ना उसको देने के लिए, रमजान को देने के लिए, वो उसके दिमाग में एक बात घूमती रहती है, वो सोचता है कि मैं इससे कैसे 10 रुपए मिलाऊं, क्योंकि मुझे अभी पूरा पैसा उसने नहीं चुकाना होता है। तो जब बाबू जगत सिंह उसको 5 रुपए देते हैं तो क्या करता है, 4.5 रुपए की मिठाई लाता है और 8 रुपए जो होती है वो बचा करके रमजान को दे देता है और अपना हिसाब चुकता कर लेता है। बाबू जगत सिंह जो होते हैं वो बड़े चालाक व्यक्ति होते हैं, मिठाई देख कर के ही समझ जाते हैं कि मिठाई कम है, उसको पूछते हैं कि ये 5 रुपए की लाया, तो वो पहले तो हाँ भरता है कि नहीं 5 रुपए की है, लेकिन बाद में जब बाबू जगत सिंह कहते हैं कि कुशल भाई के पास कहीं यहाँ से लाया, तो उसको पता चल जाता है कि अब अगर वहां गए तो वैसे भी फूल खुल जानी है, तो कह देता है कि मैं झूठ कहूँ तो मान लेता है अपनी गलती और बोलता है 50 पैसे की मिठाई उसने कम खरीदी है। बाबू जगत सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है ना, वो क्या करते हैं उसको पीटते हैं, बात तो सिर्फ 8 रुपए की थी, उसने हाँ भी भर ली थी कि मैंने चुराई है 8 रुपए का शोर था वो सिर्फ, लेकिन उसकी पहली गलती भी थी, तो पहली गलती समझ कर उनको माफ कर देना चाहिए, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा, उसकी स्थिति जानते थे, गांव में बच्चे बीमार थे, उतने पैसे भी नहीं लिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पीटा है। और पीटते पीटते भी जब उनका जी नहीं भरा तो उसको थाने ले गए, थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, रिपोर्ट लिखवाई और जो वहां सिपाही थे इंस्पेक्टर जो होते हैं वहां के, उनको 5 रुपए की रिश्वत दी गलवाने के लिए कि सच गलवा लेना, उससे की चोरी इसने ही किया, जब देखिए चोरी के लिए 5 रुपए की रिश्वत दी है वो गलवाने के लिए, ठीक है। तो अब दूसरे दिन फिर कोर्ट में लाया गया रसीला को, मुकदमा चला, जज जो थे वो शेख सलीमुद्दीन ही थे और उनकी अदालत में उन्होंने फैसला सुनाया, 6 महीने की जेल, 6 महीने का कारावास उसके खिलाफ। अंत में लेखक ने भी किया है, 2 लाइनें लिखी है इसके लिए कि 1000 और 500 रुपए के जो चोर होते हैं, सॉरी रिश्वतखोर जो होते हैं वो सिर्फ 8 रुपए के जो चोर, वो तो नरम तत्वों के ऊपर अपने घर में आराम फरमा रहे होते हैं, लेकिन 8 रुपए का जो चोर होता है वो जेल की कोठरी में 6 महीने की सजा काट। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है, हालांकि अगर उसको माफ किया जा सकता था, उसकी पहली गलती थी, उसने सच भी बोल दिया था और जज जो थे उन्होंने उसको कुछ बोलने के लिए कहा कि भाई, लेकिन उसने तो चुपचाप से चोरी कबूल कर ली कि मैंने चोरी की थी, हो सकता क्योंकि वो बिल्कुल सीधा साधा इंसान, वो झूठ छल कपट ये सब चीजें जो थी वो नहीं जानता था, तो चाहता तो साफ इनकार कर सकता था कि चोरी मैंने नहीं की है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत तो था नहीं, सबूत था क्या? कोई सबूत नहीं था, और सबूत क्या हो सकता था? सिर्फ हलवाई हो सकता था जिससे वो मिठाई लेकर के आया, लेकिन उसके लिए भी वो बोल सकता था कि भाई इन्होंने ये तो खुद रिश्वत लेते हैं, और उस समय बोल सकता था जज के सामने, और ये जबरदस्ती
मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए हर भाई को भी पैसे देकर के मन अपने साथ मिलाए, ये बोल सकता था कि नहीं बोल सकता? बोल सकता था तो सजा से बच सकता था, लेकिन बेचारा सीधा साधा था, बिल्कुल जानता नहीं था, चल कपट इस तरह के जो बातें थी नहीं जानता था, और सिर्फ अठन्नी की चोरी के लिए उसने 6 महीने की जेल काटनी पड़ी। स्टार्ट करो पढ़ना, एक एक पेज पढ़ो। पर घर वालों का गुजारा न चलता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही करते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता यह इतने सालों से अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यह कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ मैं जाऊँ तो शायद कोई 11 का पार्लर दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमजान रसीला को फल दे, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई दे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला चुपाता था, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ। सुनकर रसीला ने रमजान का हाथ का हर्ट देखा तो आंखें भर गई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और तुम मालिक से पैसे भी मांग लो, करते हैं एक पैसा भी न दो। रमजान ने गंदी सांस भरी, उसने रसीला को दबरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखा गरीब है, परंतु आदमी नहीं देखता है, ईश्वर इसका भला। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान को ऋण चुका दिया। ऋण चुका दिया यानी कर्ज, है ना? केवल आठने आठ आने बाकी रह गए। रमजान पहले, बहुत समय पहले की बात है, 5 रुपए 2 रुपए भी उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, है ना? जैसे आज लाखों रुपए की रिश्वत ली जाती है, उस समय 500,000 भी बड़ी बहुत बड़ी बात होती थी। वो लाखों के सपने होते थे उस समय, 500,000 एक एक पैसा चलता था, और उस समय आने का सपना था। पैसा तो फिर भी बाद में चला, पहले आने चलते थे। जैसे आठ आने का आधा चार आने का आधा दो आना, इस तरह से आने चलते थे। 12 आना फिर 1 रुपया इस तरह से चलते, है ना? 75 पैसे को 12 आना बोलते, 16 आने का 1 पैसा, 1 रुपया होता इस तरह से। वो और भी पहले की बात है ना, एक जब हम बहुत छोटे छोटे थे ना, तब हमने भी देखा 1 रुपया, सॉरी 1 पैसा, 1 रुपया में चलता है, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा भी चलता था, 4 नहीं फिर 5 10 20 इस तरह से चलता। फिर ये सब बंद हो गए। सबसे छोटा उस समय चवन्नी यानी 8 आना 9 आना 4 आना, फिर 50 पैसा, फिर 1 रुपया। फिर 50 पैसा तो हो सकता तुम लोगों ने भी शायद देखा होगा, बहुत छोटे पद में जैसे हमने 1-2 पैसे देखे, फिर बाद में वो भी बंद हो गए 50 पैसा। ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे हाथ न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे बस 5-6 इतनी सी रकम दे देकर
आप मेरा अपमान कर रहे हैं, जरूर मान जाइए। आप समझे समझे अपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ कर कि इतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा रुपए कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है, आज भी एक शिकार पर फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने। पर ऐसी ही कमाई से टोकियो में रहते हैं और एक हम है कि श्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक भाई उसके मालिक उसको पैसे रखने के लिए देते होंगे, भैया हो सके उसमें से थोड़ा सा निकाल ले, इतने अपना नोटबुक पे इतना पैसा अपना उसमें से थोड़ा बहुत निकाल ले तो उनको कहाँ फर्क पड़ने वाला, कहाँ मिलने वाले कोई, लेकिन ऐसे लोग गिन भी लेते हैं। 4.5 रुपए टाइम पता चल गई उनको, ये 5 की नहीं अब 8 में भी मिलता, कितनी सी कम होगी 5 रुपए में सोचो, लेकिन पता चल जाता है। एक एक आना भी इतना तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने से इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लेगा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अटर्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखती देखती तो पूछा, जॉब कुटे यह मिठाई 5 रुपए की है, बुजुर्ग बात की है। रसीला के रंग उड़ गए, बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला को मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से मिठाई लाया था। बुजुर्ग झूठ को उठे खुद को उठो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न कही थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अभी सारी बात हलवाई के सामने ही कह। अब कोई रास्ता न बचा था, वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने से रसीला नोट रखते हुए बोले, मानस का लेना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मतलब उसको रिश्वत भी देती पुलिस वाले को, होगा जैसे तैसे मार मोरा के कैसे भी करके उससे बुलवा लेना की बेचूरी इसी ने की, जबकि बेचारा होगी तो सच बोलने वाला था, खुद ही बोल रहा हूँ। दमा शेख सलीम मुद्रदी की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाना चाहता, वो
राजा तो यह कह सकता था कि यह साजिश है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिठाई मुझे पसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्याय अपराधी थे, आदमी थे, आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी है नहीं, अंधेर नगरी वो है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। उस असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की जेल। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा है था। इन सभी का बात उसी के कंधों पर था। वह सभी तनख्वाह घर भेजते था, पर घरवालों का गुजारा न चल पाता। किसका क्या भार किसके कंधों पर था? अच्छा, ये लिखने से पहले हम संदर्भ लिखेंगे, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में संदर्भ लिखा जाता है ना, क्या लिखा जाता है, पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, नहीं लिखा जाता है? नहीं लिखते हो क्या? अभी 9th से लिखना पड़ेगा। 9th जो ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, इसका संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पाठ 5 अठन्नी की, और लेखक कौन है, लेखक लिखा रहता है दर्शन। हाँ, तो दर्शन
तो वैसे अभी नाइन से ना जो चैप्टर का नाम पेपर का नाम लिखा हुआ है वो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है ना आपका, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है वर्ड्स पार्ट में जो फाइनल पेपर होता है ना वो कैसे चलते हैं नहीं लिखा हुआ है पहले भी आने था दो साल पहले नाम भी खुद को ही ध्यान में रखना पड़ता था चैप्टर का नाम तो कह देते हैं या लिखे पेपर का भूल जाते हैं अभी आता है आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा लिखा हुआ ठीक है तो उसमें से लिया गया है और किस बारे में ये पार्ट है थोड़ा बहुत उसके बारे में ठीक है एक और दो लाइन के अंदर हमको बताना है कि क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछता है उसके बाद में वॉल्यूम में जो क्वेश्चन में दिए गए रहेंगे फोर नंबर पेज पे देखो पीछे उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के वर्णन करने के नामक पाठ से लिया गया है लेखक सुदर्शन जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें अमीरी गरीबी बेईमानी ईमानदारी सहृदयता से उनकी भावना आदि नैतिक मूल्यों को विद्यार्थियों में उजागर करने का संकेत किया है फिर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमारा क्वेश्चन है कि किसका क्या भार किसके कंधों पर था रसीला के परिवार का भार रसीला के कंधों पर हाँ तो अब ये क्वेश्चन तो हमको दो मार्क का आएगा टू टू थ्री थ्री है ना टेन मार्क का क्वेश्चन होता है इसमें फर्स्ट टू क्वेश्चन तो दो नंबर के लिए सिर्फ हम एक लाइन लिखेंगे क्या लिखेंगे फिर उसको इसका क्या बात किसके कंधों पर था तो पहले तो रसीला के बारे में बता देंगे कि रसीला के परिवार का गुजर बसर का भार उसके कंधों पर था ठीक है फिर बताएंगे कि वे परिवार में कौन कौन था हम क्वेश्चन को बड़ा कैसे करेंगे किसके का भार था परिवार में उसके बूढ़े पिता पत्नी और तीन बच्चे हाँ तीन बच्चे का मतलब एक लड़का एक लड़का दो लड़के थे और बस अपनी पूरी तनख्वाह उनके खर्च के लिए भेज देता था लेकिन फिर भी उनका गुजर बसर नहीं हो पाता था इतना हम लिख देंगे फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं वह कहाँ काम करता था उसे कितने तनख्वाह मिलती थी इंजीनियर नाम जगजी के यहाँ काम करता था उसे इसमें भी फिर हमको लिख देना है कि भाई इसका परिवार बड़ा था और उसको 10 रुपया मासिक मास्टर मिलता था और उसके पूरे परिवार के इतने सदस्यों की देखरेख का या गुजर बसर का भार उसके कंधों पर था और पूरी तनख्वाह भेजने के बाद भी बहुत मुश्किल से ही उनका गुजारा हो पाता था यानी फिर भी कमी रहती है तो इस तरह से थोड़े से शब्दों को हेरफेर करके क्योंकि देखो मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे चारों के आंसर जो होंगे थोड़े थोड़े मिलते जुलते रहेंगे है ना थोड़े से शब्दों को हमको चेंज करके हम ये भी सोचे कि पिछले बार में लिख दी ये बात तो आगे में भी लिखनी है उसमें भी लिख दी है हमको क्योंकि देखो 3 मार्क का है क्वेश्चन 2 मार्क का है उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा फिर तनख्वाह बढ़ाने की बात पर मालिक ने क्या कहा और वे क्या सोचकर चुप हो गए क्या सोचकर यहाँ पर इज्जत दी है वो कहा और कहीं नहीं मिलेगी भले ही पैसे यहाँ पर कम मिल रहा है और जैसे हो सकता है थोड़ा ज्यादा मिल रहा है लेकिन यहाँ जैसे इधर नहीं मिल रहा रमजान में ठंडी सांस भरी उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप गोगड़ी में चला गया रमजान कौन है रमजान रसीला का मित्र है और चौकीदार है इसने रसीला को ठहरने का संकेत क्यों किया तो बताता है कि रसीला के बच्चे बीमार थे वो उदास बैठा था उसके बच्चे बीमार थे जब रमजान को पता चला तो उसकी मदद करने के लिए उसके पास अपनी जो बचत थी उसके अंदर आने के लिए रमजान के आने के बाद रसीला क्या सोचने लगा
जब घर के अंदर जाकर के वो वापस आया तो रसीला क्या सोचने लगा, आकर के उसने पैसे उसके हाथ में रख दिए, तब क्या सोचने लगा? कोई वही सोचने लगा कि मेरे जो मालिक है वो कितने पैसे वाले हैं, मैंने उनसे प्रार्थना की लेकिन उन्होंने टूटी बोले गए थे उससे एक भी पैसा नहीं दिया, रमजान पहले ही गरीब है लेकिन उसमें सहयोग करता है या सहयोग की भावना है और भगवान उसका भला करे। एक दिन रसीला ने क्या सुना, कौन किससे क्या बात? एक दिन रसीला ने ईश्वर की बात आपको बताना है कि क्या बात सुनी, वो भी बता देना। हाँ हाँ कि 500 रुपए की रिश्वत ली जा रही है, उन्होंने कहते सुना था कि अपने मालिक को कहते हुए सुना कि 500 रुपए देकर के आप मेरा अपमान कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति ने ये भी कहा है ये एक रिश्वत देने वाला कोई था जो इंजीनियर बाबू से अपना काम करवाना चाहता था, निकलवाना और उसको रिश्वत देना था, तो ये इन्होंने बोला जगत सिंह ने कि 500 रुपए देकर के आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मतलब 500 रुपए की रिश्वत कम लग रही थी उनको। तो वो व्यक्ति जो था दूसरा उसने बोला कि आप ये समझ लेना कि आपने मेरा काम कुछ तो नहीं किया, कोई पैसा नहीं लिया काम करने के था। तो अब कहाँ था हम, क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, एक दिन रसीला ने क्या सुना था कि हमने बता दिया कि वो 500 रुपए की रिश्वत ले रहे थे और ये वाली लाइन सुनी थी, कौन किससे क्या बात कर रहा था? तो ये बाबू जगत सिंह एक व्यक्ति से बात कर रहे थे जो उनसे काम निकलवाना चाहता था। रसीला की बात सुनकर रमजान ने क्या कहा? वो पूरी बात करते थे जो तुमने कहा था कि भाई हमारे साथ तो उसके भी गुरु हैं और क्या आज भी एक शिकार बसा है। हाँ, और दादा सिंह से पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है। हाँ, बाबू जगत सिंह का है पूरा एक तो इंजीनियर बाबू अपना एक शब्द बढ़ रहा है ना, इंजीनियर बाबू जगत सिंह का है। रसीला ने 450 रुपए की आज तो मिनिमम आती है इतने की ना। तो कहाँ पे हम लोग, हाँ ये कथन किसका है? रसीला ने क्या चतुराई की, क्या चतुराई की रसीला ने? बाबू जगत सिंह ने उसको 5 रुपए दिए थे मिठाई लाने के लिए, 5 रुपए की मिठाई लिया लेकिन वो जा करके 4.5 रुपए की मिठाई लिया है और आप 50 पैसे या 8 रुपए में मिठाई ली। तो यहाँ पे वक्ता यही बोल रहे हैं बाबू जगत सिंह तो वही है जो सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, उसमें रिश्वत किसके साथ मतलब बात कर रहे थे वो था ना? हाँ, दूसरा वाला या अभी जो करना है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन रमजान के आने के बाद रसीला क्या सोचते थे, क्या बात कर रहा था जो इधर इधर का? हाँ बोल रहा था और किससे क्या बात कर रहा था? हाँ, वो भी रिश्वत वाले थे बाबू जगत सिंह एक सेलिब्रिटी से बात कर रहा था। हाँ अपने अपने रिश्वत दोनों है रिश्वत को दोनों ही रिश्वत लेते हैं ना। ये रमजान बताना है कि हमारे तो और भी उनको 1,000 से कम का सौदा नहीं गया होगा, दोनों ही रिश्वत कौन है?
दोनों ईश्वर दिए था, तो मतलब एक रमजान ने बताया कि वो सरसिया ने बताया ठीक है, कैसे समझो यार उसको भी, जैसे तुम खेल में अच्छे हो है ना, और ये तुमसे ज्यादा अच्छा खेलता है, तो ये तो मेरा भी गुरु है, उससे भी अच्छा खेलता है, मतलब तो मतलब वो और भी ज्यादा लेते हैं रिश्वत, ऐसे कह रहा है रमजान अपने मालिक के लिए, वो तो और भी ज्यादा रिश्वत लेते हैं, 1000 से कम नहीं लेते हैं, हमारे तो फिर भी 500 लेते हो, किसी का 1000 लेते हैं एक बार में, ऐसे तो वो ही रिश्वत को दो में बातचीत से पता चल रहा है, हमको बातचीत से पता चल रहा है, दोनों है रिश्वत को है ना। हाँ तो आगे तो भी दस रुपए से कम की नहीं आती बिल्कुल, और बच्चे वो भी लगा मजद नहीं करते कि इतने पर आएगा है कि नहीं, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पर उनको शक हुआ कि बेटा ये कम है, उन्होंने जो जांच पड़ताल करनी शुरू की रतीला से, सवाल जवाब करने शुरू किए कि कितने की लाया, क्या लाया, कैसे लाया, ये वक्ता ने रसीला के साथ क्या हुआ, वक्ता ने रसीला को चमाटा टमाटर वो अपने लैंग्वेज में दिल्ली के लिए उसने तो बोलते ही नहीं है ना, पहले वो तो वो ये बात इतनी है कि उन्होंने रसीला से पूछा कि बेटा कितने की लाया, तो इसने अपराध कबूल कर लिया, उसके बाद उन्होंने गुस्सा आ गया उनको और गुस्से में उन्होंने उसकी पिटाई की, और फिर पिटाई से जब अपना जी नहीं भरा तो उसको थाने में रिपोर्ट लिखवा के बंद कर, रसीला ने माफी मांगी तो क्या उसको माफी मिली तब से स्पेशल इंजीनियर बाबू बाबा केवल वही है, जब मिठाई लाया तब की बात हो रही है, उसी को बोल रहा अपने मालिक को भी। हाँ तो फिर देखो तो जब उसके साथ अब इसमें वो लिखना है कि जब कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चला, कोर्ट में वो ले जाया गया तो
उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और ये भी बोला कि ये मेरा पहला अपराध है, इसके लिए मुझे माफ हो। तो माफी मिली या नहीं और उसके साथ क्या हुआ? ये उसे नहीं मिली कोई वाली नहीं और उसको 6 महीने की जेल में किसके आपको बताया और क्यों? उसके भी आया क्योंकि उसको 6 महीने की जेल की सजा हो गई, इसलिए उसको बहुत पता लगा ये जो इतने बड़े बड़े अपराध करने वाले विश्वास लेने वाले आराम से महीने के लिए अंदर की कोठरी में जेल की सजा काट रहा बच्चा। आगे लेखक ने पाठ के अंदर में कह पहले तो घटना के बारे में दो लाइन लिख देनी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दो लाइन के अंदर उसको समझाना है कि फिर उसको किसकी सजा मिली और क्या, और अंत में वो जो वाली लाइन है ना कि ये तो इंसाफ में अंधेरा है। हाँ अंधेरा नहीं है, चलने की भी बात थी रात के समय जब 1500 के चोर नरम हड्डियों पर मीठी नींद ले रहे थे, अपने का चोर जेल में कम अंधेरी कोठरी में बंद बिल्कुल लिखना ही है ये वाली लाइन रटा हमने उसके आगे ठीक है ना, क्योंकि इसके लिखे बिना वो आंसर परफेक्ट नहीं होगा। आगे कोई बात नहीं तो सब का उस होगा आधा साइड में करो हाँ और क्या हो रहा है बहुत का बहुत अबे लेकिन ने पार्ट टेंथ में क्या मिली क्या वही तो अभी अपना आंसर देखा है यार किससे किससे कहा अब इंजीनियर ने जगत सिंह से कहा नहीं जगत सिंह ने रसीला से कहा वो मिठाई जब वो लाया तो उसने पूछा ना कि कब है तब उसको उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हो सगन फाइनल हो गया सगन मतलब कसम खा कि आप 5 रुपए की लेके आया है कोई गड़बड़ नहीं की है सेम वर्ड नहीं है मुझे लग रहा है ना मेरे को लग रहा है तो फिर ये वो वाला तो नहीं भाई जो वो रसीला वाली बात कर रहे हैं नहीं समय तो नहीं है हाँ वही है देखो मैंने कहा ना ये तो ये वो वाली बात नहीं है रसीला और रमजान से वापस से बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले पेज पे देखो हाँ तब वो रसीला मना कर देता ना कि कोई बात नहीं है तब वो बोलता है कि हाउस ऑफर या फिर खुद लोग तो जल्दी उठते होंगे सुबह अभी नहीं जब स्कूल होती तब तो क्योंकि वो स्कूल जाते तो उठना ही पड़ता है
फिर आते कितने बजे? साढ़े तीन साढ़े दो ढाई बजे मतलब फिर ढाई बजे आके खाना वाना खा के थोड़ी देर नहीं देखा तो तुम लोग फ्रेश होते हो ना उससे नारियल तो चलता रहता है भले कितने देर लिए चलेगा चला तब इंटरनेट पे अच्छा नहीं है अब उसके बाद जो क्रांति आई है तो बाहर के लगे वरना सोचो उस समय कोरोना हो जाता तो सब बंद बंद हो जाता कौन से ऑनलाइन क्लासेस कौन से तो ये जो जो भी फॉर्मेलिटी को हुई ना स्कूल में सबको पता है कि ऑनलाइन को हम कैसे पढ़ाई कर सकते वो सब अपना क्लास ज्वाइन करके और सारा कुछ करके सोचते थे एक नई चीज अपनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है एग्जाम हो गए दो साल में सारा कुछ के लिए हमारे बच्चे जब भी एग्जाम दे रहे हैं वो क्लास में जाके जमा करा के लो चिंता नहीं करते हैं हम लोगों के लिए था ऐसा लोगों का तो ओके जो भी हो गया जैसे कि कैसे हुआ तुम लोग कौन सी क्लास में थे तुम लोग सेवन में तो सिक्स तक हम लोगों का एग्जाम नहीं हुआ होगा मुझे नहीं लगता ऑनलाइन अच्छा वो ये केवल तो हम लोग कॉपी करके दे देते हैं हमारे वो भी है सेवन का मौका से हां कई लोग का वो भी है वाह बस फॉर्म ही हां और सेवन की टाइम ही है एकदम ओके सेवन की लाइन है एकदम 80 मार्क्स के लिए 50 मार्क्स के हां तो ये जैसे तो करके वो सब ले लो फाइनल्स लेकिन जो 9-10 में जब तक नुकसान हो उस पर लोग कोर्ट का एग्जाम नहीं हुआ और जो पहले जो एग्जाम हुए थे उस हिसाब से मार्क्स दे रहे हैं अभी सोचो तुम लोग जो सारी की शुरुआत में कैसे पेपर दे दो सारी ने अभी ऐसे जब तक पढ़ाई है एंड तक अच्छी पढ़ाई होगी देते हो ना शुरुआत में तो जो आए दस में से दो आए किसी के पाँच आए किसी के सात आए किसी के चार आए वैसे फाइनल मार्क देंगे बच्चों का कैसा होगा इधर का और ऐसे अच्छे की है अब कुछ स्कूलों में अच्छे भी है कुछ में ऐसे मार्क्स नहीं है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल वो पासिंग मार्क्स नहीं है कहने से बहुत लोगों ने बच्चों को जो पसंद नहीं आया नहीं आया नहीं वो कुछ आया तो इसीलिए कि पसंद क्या आराम है बस बाकी 9-10 में जो थे ना तो बहुत अच्छा लोगों के आराम ठीक है दो साल का छोटे बच्चों के लिए आराम ना दो साल का कोई वो नहीं है लेकिन जो उस समय की पढ़ाई का जो लॉस हुआ ना अभी जो बच्चे एट में थे है ना और एट नाइन्थ और टेन ये पढ़ाई बहुत मेन होती है एट की भी मेन होती है नाइन्थ के लिए थोड़ा सा बेस करना शुरू करते सेवन तक इतना ज्यादा टेंशन नहीं आती जैसे फिफ्थ तक की बात अलग है सिक्स में थोड़ा सा एक्सटेंशन बढ़ता ही लगता है ना उनको क्या थोड़ा सा बैठा यार स्कूल होता है वो एग्जाम
कि ऐसा सिस्टम था जिनको लगता है कि हम मोड़ता नहीं दे सकते तो देते थे स्कूल का नहीं और स्कूल का हार्ड होता तो बोल देते थे सीबीएसई वालों के लिए तो था सीबीएसई वालों के लिए पता नहीं था और उनके लिए ये भी था कि ये एक्स एक्स के लिए भी स्टैंडर्ड और जो नॉर्मल तुम्हारा होता है और फिर अगर आपको कुछ हायर स्टडीज के लिए किया तो एग्जाम्पल बच्चों को और वो बेकार में वो इससे तो बच्चे दो मार्क का छोड़ देंगे तो नहीं आ रही तो लोगों को ज्यादा चलो तो यहाँ पर रसीला और उसकी बात होगी रमजान में वो है रमजान बोल रहा है उसको हाउस ऑफर को बोलता ना कि कोई बात नहीं है तब कहता है कि फिर हाउस ऑफर तो किसने किससे लिए पसंद आया रमजान ने रसीला से कहा और किस संदर्भ में कह रहे हैं सच निकलवाने के नहीं सच हाँ मतलब सच निकलवाने के लिए वो बात सही है लेकिन जब वो उदास बैठा था और अपने दासी का कारण उसको नहीं बता रहा था तब रमजान ने कहा कि तुम खाओ ये वक्ता ने वाक्य कब कहा है और फिर से वही आंसर आ गया तो फिर आगे क्या बात करोगे कि जब एक रसीला हाँ दूध बैठ रहता है हाँ तब रमजान ने उसको ये वाक्य कहा था और वो बता नहीं रहा था तब उसने ये वाक्य श्रोता लोग सबसे कौन सी समस्या होती है उसकी मदद करने की वक्ता ने समस्या का हल क्या सुझाया वो फिर वो मना कर देता तब फिर वो लाके लेता है इसमें भी सेम वही आंसर लिखते हैं लेकिन थोड़े चंद्र में घुमा के आकर बस 500 इतनी सी रकम आपके अपमान कर रहे हैं वक्ता कौन है इतनी सी रकम से उनका क्या आशय जब बच्चे करता है इतनी सी रकम से उसका यह कहना था कि कम पैसे देकर अपमान कर यानी काम कलमा से जो काम वो करने जा रहे हैं उस काम के एवज में वो पैसे कम दे रहा है और उसका एक तरह से अपमान हो रहा है ने क्या समझा उस संबंध में क्या पूछने लगे मतलब बाबू जगत सिंह जब ये बात कर रहे थे उस आदमी से तब रसीला ने ये बात सुन करके क्या समझा क्या समझ लिया उसने ले जा लिया और उस संबंध में वो क्या सोचने लगा वो समझ गया कि इंजीनियर बाबू कोई काम करने जा रहे हैं उस पर उस समझ में ही वो रिश्वत ले रहे हैं रसीला ने ये बात किसे बताई रसीला की बात सुनकर उसने कही रसीला ने ये बात रमजान को बताई उसके आंखों में ना अभी तो मैं बता दिया बताई कि उनके पास इनसे भी बड़े गुरु है हाँ आलाजी तो नहीं तय नहीं होगी
पत्थर में रसीला से क्या लागू होगा, उसे देखकर वे क्या चौंक गए। हाँ जब वो मिठाई लेकर के आया तो मिठाई को देखकर वे चौंक गए, क्योंकि उनको लगा कि मिठाई होता है, लगता है अपने को पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा होता है। एक जो नाक होता है ना, वो हमारे सामने वो हो जाता है कभी कभी, ध्यान में तेरे को भी ऐसा लगता नहीं, बट अपने आप हो जाता है। अब जैसे हम भाजी लेते हैं ना, बटाटा लिया, टमाटर लिया, देखो अपने आप फिक्स टू फिक्स होता ही जाता है। एक्सपीरियंस हो जाता है, सोच रहे कि कैसे पता चाहिए ऐसे तो भी हुआ हो सकता है। भैया गुलाब का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं और हमें परिश्रम करने पर भी कुछ हाथ में नहीं आता। उपयुक्त कथन किसने किससे कब कहा है? यह रमजान में रसीला को पाया। रमजान में रसीला से कहाँ होता है? क्या है भैया भगवान का फल मिलेगा या नहीं? मुझे लग रहा रमजान में रसीला को रुपया कमाने का इतना आसान तरीका है, मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब 10 बार रुपए हाथ में आते हैं। महाराज रमजान को सभी बात सुना कर बोला, रमजान बोला बस इतनी सी बात किया है, शुरुआत में 4,000 रुपए से कम कर दिया, बाप पर मिलेगा या नहीं है तो भगवान जानते हैं ना, तो रमजान ही कह रहा है रसूल अल्लाह। और कब कहा है ये भी पता है, कब किसने किससे तो हो गया रमजान में रसीला से, और कब कहा है? जब रिश्वत की बात, जब सबों में आपस में रिश्वत की बात हो रही थी, वो रसीला बता रहा था कि ये ऐसी रिश्वत लेता है, तब वो बताता है कि व्यक्ति रिश्वत लेता है, फिर उन्होंने कहा कि गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन ऐसी कमाई कर करके या फिर रिश्वत को भी कर करके ऐसी बड़ी बड़ी कोठियों में रहता है, हम लोग कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं फिर भी हाथ में कुछ भी नहीं आता। वक्ता श्रोता की बातचीत का विषय क्या है? रिश्वत। वो ही सेम है, थोड़ा घुमा फिरा के आपको इस तरह से लिखना। ऐसी कमाई से वक्ता का संकेत किसकी ओर है? ऐसी ही कमाई, वो ऐसी ही कमाई क्या है? रिश्वत। हाँ, ये समझने की कोशिश करो, तो रिश्वत के बारे में बातचीत की जा रही है कि दोनों के जो मालिक हैं वो दोनों ही रिश्वत लेते हैं, और किस किस तरह से रिश्वत लेते हैं वो दोनों को आपको बताने। वक्ता की उपयुक्त बात सुनकर श्रोता के मन में कौन सा विचार है? रमजान नहीं, रमजान की बात सुनकर के हाँ। में कौन सा विचार? हाँ क्या है रसीला के मन में विचार? नहीं है ना कि सैकड़ों रुपए मेरे हाथ से निकल गए, लेकिन फिर भी कभी दरमिमान नहीं बोला, क्या है बुलाई? मेरा हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म नहीं बोला। और अगर एक एक खाना में भी जोड़ता तो हाँ काफी रकम जुड़ जाती है, काफी रकम इकट्ठी हो जाती है।
तो एक एक आना में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज हम भी सोचे एक एक रुपए ही इकट्ठा कर लिया होता है ना, आज हम पिटी भाई में कुछ भी डाल देते, कभी 500 भी डाल देते, कभी 500 के 2 नोट भी डाल देते, कभी 100, कभी नहीं हुआ तो 5 रुपया डाल दिया या 1-2 रुपया भी डाल दिया, कॉइन हुआ हमारे पास कभी 10 का कॉइन डाल दिया, ठीक करते उसकी कितना हो जाएगा आप सोचो, या तो दो ही काम करते हैं तो पैसे आते या तो खर्च कर देते उड़ा देते अपने जो भी होता है उस खाने की चौकी को या वस्तु क्या है उसके डर मन महंगी या होती है बोल रहे हैं हाँ जो भी बोल रहे बोल रहे तुम तो जो भी पर रगड़े जो भी कर रहे थे और या फिर हम भी सोचे ना ऐसा नहीं कि तुम्हारे हाथ से ज्यादा खर्च होता हमारे हाथ में भी होता ऐसा आते ही वो अपने खर्च होने का रास्ता भी नहीं लगता इससे ज्यादा अच्छा उसको चलो कर लो क्लास वर्क के 2 होमवर्क के दो तो क्लास वर्क होमवर्क दोनों हो गया चार चार दिन है दो हाँ ये नहीं हेल्पफुल नॉलेज से ये तो हमने डिस्कस कर लिया है पीछे क्लास का कौन दे रखा है टीचर होमवर्क दे रहा और पीछे का भी साथ करोगे हाँ तो ये चार चार क्वेश्चन दे रहा है तो 2 दिन पड़ेगा ठीक है दो इसने कौन सी बात कही है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इनकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आंसर आएगा हमारा चैप्टर फिर से पढ़ लो भाई जाके एक बार जब तक 2 दिन बाद नहीं पढ़ोगे ना तब तक वो नहीं आता है इसलिए स्कूल में पढ़ा या पहले यहाँ पढ़ा फिर स्कूल में हुआ फिर आपने भी पढ़ा और यहाँ से जाके भी एक बार पढ़ा है 5 मिनट भी चल करना भी पढ़ोगे राजन ने किया माता जी ने की मतलब ये एक लाइन वाले को लिखना है जो सब्जेक्ट है ना हाँ उसको एक लाइन एक कर दिए ये बोला ना फर्स्ट और देखो डॉट 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 लास्ट लेकिन पर्पस नहीं समझ हाँ
बिल्कुल पता नहीं चलेगा ना किस बात कर रहे हैं.
उसके मालिक के प्रमाण देखो। मैं सोचता है इतने सालों से हम मेरे लोग बाबू पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर कभी संदेह नहीं किया। ये कौन कह रहा है? रसीला है। तो यहाँ रसीला की कार्य बात हो रही है ना, उसके मालिक यानी रसीला के मालिक के प्रवास को समय करता और उसके चौकीदार का क्या नाम था और उसके मित्रता किससे थी? रसीला। रसीला ना, ये रसीला होता है ना, और फिर इससे भी समझे उसके चौकीदार का क्या नाम जिला मजिस्ट्रेट शीर्षक के चौकीदार का क्या नाम? चौकीदार तो उनके एक था ना? मालिक ने छुट्टी की आएगी। अब एक की मात्रा में बता दो तुम लोगों को, थोड़ी गड़बड़ करते तुम लोग। प्रार्थना की जब ही आएगा ना तो ये वाली छुट्टी आएगी। जैसे क्या बताऊं, ये जो मात्रा होती है ना की और की ये होता है योजन जो होने वाला। जब दो वाक्य को जोड़ा जाता है ना तब ये काम है। ये जो बड़ा की होता है ना, ये जब संबंध बनाते हैं ना, जैसे राम की माता ने कहा तो राम की माता संबंध और राम की पिता कौन सा किया है? अब कहा के बाजार जाओ, दो वाक्य जुड़े कि नहीं जुड़े? है ना। यहाँ पर छोटा अब है और है में भी दिक्कत आ जाती है। एक ये दो या दो से ज्यादा, ठीक है? और कौन से मैं ज्यादा गर्मी लगती है? ये मैं, ये कौन होता है? और ये मैं, ये कौन होता है? हो गया। Thank you.
थी।